हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं काचर की सब्जी। इसको काचर भी बोलते हैं और कचरी भी बोली जाती है, कोई कोई लोग कचरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने काट दिया है, छिलका नहीं छिला है, ऐसे ही काट दिया है। और इसके अंदर ज़्यादा बिया रहता है तो मैंने थोड़ा थोड़ा दबा के बिया निकाल दिया है। बाकी बिने छिलके ही सब्जी अच्छी बनती है। ये छिलका मैंने नहीं छिला है और कचरी मैंने काट ली है और हरी मिर्च काट लिए दो बड़े टुकड़ों में। ये देखिए दोस्तों, अब बनाने जा रहे हैं इस काचर की सब्जी, देखते जाइए। ये बारिश के टाइम में गांव में बहुत होते हैं। ये देखिए दोस्तों, गांव में का बारिश के टाइम, मौसम के टाइम में बहुत होता है। अब इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे दोस्तों को शेयर कीजिए मेरा वीडियो प्लीज। ये राजस्थान में बहुत होते हैं तो राजस्थान में इसकी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। तो मैंने कच्चर को काट लिया है और मिर्ची काट ली है और लहसुन को टुकड़ों में काट लिया है। अब आगे चलते हैं सब्जी बनाने। गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं, इसके अंदर पानी है, सूखने देते हैं थोड़ी देर के लिए। राजस्थान में इसकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा बनती है। अभी आगे चलते हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, सरसों का तेल डाला है, सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सरसों के तेल को गर्म होने देते हैं 5 मिनट। तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर डालते हैं जीरा। ये देखिए दोस्तों, जीरे को थोड़ी देर पकने देते हैं। अब डालते हैं लहसुन मिर्ची कटी हुई, इसको 2 मिनट फ्राई करते हैं और गैस को स्लो कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर डाल देते हैं काचर। ये देखिए दोस्तों, अब 5 मिनट इसको फ्राई करते हैं। सब्जी भून चुकी है, इसके अंदर नमक, हल्दी और मिर्ची और गरम मसाला थोड़ा डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसको फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। सब्जी हमारी बन चुकी है, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी दिख रही है दिखने में भी, और गेहूं की रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए दोस्तों, अपनी रोटी बन चुकी है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए दोस्तों, रोटी और कच्चर की सब्जी बन चुकी है। ये